छठ एक ऐसा धार्मिक पर्व है जिसमें साफ सफाई पर विशेष महत्व दिया जाता है। नगर परिषद सीतामढ़ी के द्वारा इस बार काफ़ी गंभीर तरीके से इस पर प्रयास किया जा रहा है। लखनदेई नदी के घाटों की तो साफ सफाई की गई है, वहाँ सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग किया जा रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था किया जा रहा है। एक मान्यता ये था कि इस बार नदी में पानी बहुत कम है, इसके लिए नगर परिषद प्रशासन के द्वारा करीब 10 बोरिंग किया जा रहा है और इस बोरिंग से अंडरग्राउंड वाटर को लोग नदी में लाएंगे, जिससे नदी का पानी क्लीन होगा, नदी में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी और छठ व्रतियों को इससे असुविधा नहीं होगी। जहाँ तक बात है सड़कों के साफ सफाई की, 120 लेबर को रखा गया है और लगातार 2 टोली बनाकर सुबह और शाम सफाई किया जा रहा है और मुझे ऐसा विश्वास है और जैसा कि आम नागरिकों से बातचीत करने से भी महसूस हो रहा है कि पहले से इस बार की व्यवस्था अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पूर्ण धार्मिक वातावरण में पूरी साफ सफाई के साथ इस पर्व का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से हम यह भी अपील करते हैं सभी नागरिकों से कि सभी नागरिक चाहे वो छठ करें या ना करें, अपने आसपास के वातावरण को, माहौल को साफ रखें, इससे सबों को सहूलियत होगी और नगर परिषद को अपना काम करने में इसमें काफ़ी सहूलियत होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग वैदेही सरोवर पर खड़े हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में धर्मावलंबियों का आना जाना होता है। छठ व्रती यहाँ आते हैं और अपने भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। इसकी साफ सफाई के लिए काफ़ी प्रयत्न नगर परिषद के द्वारा किया गया है। हम लोगों ने यहाँ जो भी गंदगी था झाड़ू लगा के उसको साफ किया है और इसके अलावा 20 आदमी यहाँ मजदूर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। अभी बैरिकेडिंग का काम प्रारंभ होने वाला है और अनुमानतः आज शाम 4 बजे तक बैरिकेडिंग समाप्त।